आँखों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम आई ड्राइनेस की भी होती है, और ऐसे में ऐसा लगता है कि आँखों में या तो कुछ पड़ गया है या फिर जब हम पलक झपकाते हैं तो लगता है कि आँखें सूखी हुई हैं। और बहुत सारे आई ड्रॉप डालने के बाद या फिर लुब्रिकेंट भी यूज़ करने के बाद भी आँखों में कभी कभी आराम नहीं मिलता। तो इस तरीके की समस्या को हम इवेपोरेटेड ड्राई आई या फिर लिपिड लेयर डेफिशिएंसी या फिर माइबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन कहते हैं। अब अगर आपकी आंखों में इसमें से किसी भी तरीके की समस्या है तो इसका मतलब है कि आपकी आंखों में ड्राइनेस की समस्या है। आइए अब ये जान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। लंबे समय तक कंप्यूटर या फिर फ़ोन का इस्तेमाल करना इसका एक कारण हो सकता है, या फिर डस्ट के एनवायरनमेंट में रहना ये भी इसका एक कारण हो सकता है, या फिर स्ट्रेस, इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है या उसके अलावा भी दूसरे कारण हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। अगर ये समस्या अभी शुरू हुई है तो आप अपने नज़दीक के किसी भी अच्छे आई स्पेशलिस्ट को दिखाकर इस समस्या को सही कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लुब्रिकेंट्स मिलेंगे, मेडिसिंस मिलेगी और ये समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर इस सब के बाद भी आपकी ये समस्या दूर नहीं होती है और आपकी आँखों में कुछ खास तरीके की ड्राइनेस है तो उसके लिए फिर एक ऑप्शन है जो कि जाना जाता है IPL के नाम से। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि इस IPL थेरेपी में होता क्या है। बेसिकली IPL थेरेपी में जो आपकी माइबोमियन ग्लैंड्स होती हैं उनके फंक्शन को ठीक किया जाता है, जो कि हमारी आँखों में जो पलकें होती हैं उनके ठीक नीचे होती हैं। आप इस पिक में देख सकते हैं जहाँ पर ये ग्लैंड्स दिख रही हैं वहाँ पर माइबोमियन ग्लैंड्स जो कि आपकी लिपिड लेयर को बनाती हैं, जो कि आँखों के ऊपर एक तरीके का तेल जैसा रहता है जिसको चिकनावट हम कहते हैं, उसको प्रोड्यूस करती हैं, तो वो इन्हीं ग्लैंड से बाहर आती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारी माइबोमियन ग्लैंड्स हैं ये कभी कभी इसके अंदर जो लिक्विड बनता है वो कभी कभी सूख कर फंस भी जाता है या फिर ये सुकड़ जाती हैं, इनके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उनको इस थेरेपी में ठीक किया जाता है जिससे कि ये फिर वैसे ही काम करने लगे जैसे कि ये पहले काम कर रही थी। अब बात कर लेते हैं व्यूअर्स की इस प्रोसीजर में समय कितना लगता है। तो ऑलमोस्ट इस प्रोसीजर में एक महीने का समय लगता है जिसमें 3 सिटिंग्स होती हैं। फर्स्ट सिटिंग तो सेम डे हो जाती है जिस दिन आप दिखाने जाते हैं, सेकेंड सिटिंग 15 दिन के बाद होती है, और फिर थर्ड सिटिंग 15 दिन के बाद, यानी आपका एक महीना इस पूरे प्रोसीजर में लगेगा। फर्स्ट सेटिंग आपकी डे ऑफ फर्स्ट में होगी जिस दिन आप दिखाने जाएंगे, फिर जो दो सेटिंग होंगी वो 15 दिन के गैप से होंगी। तो इस तरीके से इस पूरे प्रोसीजर में आपको एक महीने का समय लगेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि ये थेरेपी होती कहाँ है। ये थेरेपी इस समय भारत के 3 हॉस्पिटल्स में होती है। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो आपके लिए ऊपर के 2 ऑप्शन हैं जो कि येलो कलर में है, और अगर आप दक्षिण भारत में रहते हैं तो आपके लिए नीचे जो एक ऑप्शन है जो ग्रीन कलर में है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। व्यूअर्स अब एक सवाल इसमें यह रह जाता है कि अगर इस प्रोसीजर को हम कराते हैं जिसकी 3 सेटिंग इसमें हमारी होनी है तो उसमें खर्चा क्या आएगा। तो व्यूअर्स इसका एक सेटिंग का जो खर्चा है वो आपका 8,000 रुपये का है, जो इन 3 हॉस्पिटल्स में आप कहीं पर भी करवा सकते हैं जो अभी हमने आपको बताया। तो इस तरीके से आप इस खर्चे को समझकर अपना प्लान कर सकते हैं कि आपको अब कहाँ और किस जगह पर दिखाना है। ये प्रोसीजर अभी भारत में केवल 3 ही जगह है, तो आप अकॉर्डिंग जहाँ पर भी आप रहते हैं उसके अनुसार आप चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट प्लेस है। तो अगर आपको किसी को भी आंखों में ड्राइनेस की समस्या है तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है कि आप अपने नज़दीक के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, जिससे कि वो आपको मेडिसिन और लुब्रिकेंट से इस समस्या को आपकी ख़त्म कर दें और आपको आराम मिल जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिलता है और आपकी आँखों में एक ख़ास तरीके की ड्राइनेस है तो फिर आप इन हॉस्पिटल्स में संपर्क करके अपनी इस समस्या को दूर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू स्माइल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।